हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको बड़का भूत की स्टोरी सुना रही हूँ, जो एक रियल कहानी है। ये कहानी मेरे एक अंकल की है, जिनके कई बार एक तूफ़ानी रात में बड़का भूत से उनका सामना हुआ था। और मेरे चाचा जी एक दर्जी थे और उनकी दुकान हमारे घर के पास ही है। वैसे तो वो अब सिलाई नहीं करते हैं, ये कहानी तब की है जब वो सिलाई करते थे। उनकी दुकान के पास एक अंकल काम करते थे, जिनका नाम जोधराज अंकल था। वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। अंकल हमारे गांव के नहीं थे, बल्कि वो हमारे पास के एक गांव में ही रहते थे। चूँकि उनका गांव इतना ज़्यादा संपन्न नहीं था, छोटा सा गांव था, तो वो हमारे गांव में आते थे काम करने के लिए। एक विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी थे, वे अपने खाली समय में ये पार्ट टाइम जॉब करते थे, क्योंकि उनके गांव इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अर्थात नौकरी का, और दूसरा उससे अपने पढ़ाई के लिए थोड़े पैसे कमा लेते थे। उनके पास गांव से ही अपने गांव जाने का लगभग 35 मिनट का समय लगता था, और वो वहां पहुंचने के लिए सड़क से हमेशा जाया करते थे। तो 35 मिनट में वो पहुंच जाते थे गांव, और रोज़ का ये बात था। एक बार की बात है, कड़ाके की बरसात हो रही थी और उस दिन तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़ोरदार मूसलाधार बारिश हो रही थी। चूँकि अंकल शाम के समय अपने घर जाया करते थे, उस दिन तूफान काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी, तो जिसके कारण उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं तूफ़ान रुकने का इंतज़ार कर लूँ थोड़ी देर, थोड़ी देर में ये शांत हो जाएगा, तो वो चले जाएंगे घर पर। मगर मेरे अंकल ने यही उनको समझाया कि तूफ़ान रुकने तक तुम रुक जाओ, फिर तुम चले जाना। पर वो नहीं माने और मेरे चाचा उनसे बोलते ही रह गए कि जोतराज रुक जाओ, तूफ़ान कम होगा तब तुम अपने गांव चले जाना। मगर वो मान नहीं रहे थे, वो बोले कि थोड़ी देर में ही तूफ़ान बंद हो जाएगा। आज यही रुका, तूफ़ान बहुत तेज़ है, पर ये दुकान में सो जा, कल अपने घर चले जाना, ऐसा उन्होंने बोला। पर भाई साहब, उन्होंने अंकल ने बोला कि पर भाई साहब, मैं तो चला जाऊंगा, इतना भी तेज़ तूफ़ान थोड़े ही है, घर पर मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। उन्होंने कहा कि घर पे सब लोग परेशान हो रहे होंगे, पर अपने घर से निकल गए। उनके अचानक निकलते ही तूफ़ान और तेज़ होने लगा, और बहुत तेज़ से बरसात होने लगी, और रुक रुक के बरसात तेज़ी से हो रही थी। जंगल के सियारों की आवाज़ भी आ रही थी। अंकल बहुत तेज़ी से रास्ता चले जा रहे थे, बिना रुके वो चले जा रहे थे। वहाँ पे दो रास्ते थे, दोनों गांव के तरफ ही जाते थे, पर सड़क वाला रास्ता थोड़ा लंबा था, और लेकिन जंगल वाले रास्ते जल्दी गांव पहुँच जाया करते हैं। यही सोच के उन्होंने सोचा कि जंगल वाले रास्ते जाऊंगा तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, और वो सड़क वाले रास्ते से न जाके जंगल वाले रास्ते पे चले गए। उनके पास एक टॉर्च थी, जो भी मरते मरते ही रोशनी धीरे धीरे दे रही थी, और आसमान भी बहुत तेज़ी से बिजली कड़क रहे थे। रास्ते काफ़ी टूटे फूटे थे। यही सोच रहे थे कि आज रास्ता ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। वो तेज़ी से चले जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा शायद गांव का ही कोई आदमी है, जो मेरे जैसा ये भी जा रहा है अपने घर, चलो सफ़र कटने का, क्योंकि सफ़र कटने को साथी तो मिल गया, पूछता हूँ कि। ये सोचकर उन्होंने उनके पीछे पीछे
बड़े कदमों से चलने लगे। आदमी के एक पैर से लंगड़ा रहा था और लंगड़ा लंगड़ा के वो आगे वाला आदमी जा रहा था। उसका सर रास्ते की ओर जंगल के पेड़ों के तरफ था और उसकी गर्दन नीचे की ओर झुकी हुई थी। अंकल को ये देखकर बड़ा ही विचित्र लगा। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन सा आदमी होता है जिसका सर ऊपर ही लटका हुआ हो, क्योंकि उसकी हरकतें भी किसी भी तरीकों से सामान्य इंसान जैसा नहीं लग रहा था। ये सब अंकल ने उसके व्यवहार में पाया। अंकल के पीछे पीछे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उसे करकता बिजली के माध्यम से ही समझ में आ रहा था। उन्होंने जिज्ञासा हुई कि ये आखिर कौन आदमी है। शायद गांव में ही कि कोई आदमी है जो भटक गया है। लंगड़ा कर भी वो चल रहा था। बिल्कुल ही डरावना दृश्य था फ्रेंड्स। देखा जाए तो चालू की तरफ उन्होंने चेहरा देखा सके। वो जैसे ही उनके पास गए, उसने पलटने को कहा कि पलटो। जैसे ही उसने टॉर्च बंद हो गई और एकदम से बिजली कड़क उठी। बिजली की रोशनी में उन्होंने उसका चेहरा और वह एकदम से दूर जा गिरे। अंकल चाचा जी दूर जा गिरे। उनका शरीर मानो लकवाग्रस्त हो चुका था। उन्होंने देखा कि अब तक उसे वो गांव में जिसे वो पीछा कर रहे थे वो कोई और आदमी समझ रहे थे। उसका भ्रम था, क्योंकि ये और कोई ही नहीं था, कोई आदमी तो था ही नहीं। उनकी आंखें बिल्कुल दो जगहों से बड़े बड़े छेद थे, जैसे किसी ने उसके दोनों आंखें निकाल लिए हैं और बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा था। उसका जबड़ा बिल्कुल अपनी जगह से अलग हो चुका था और लटक रहा था। उसके दांत साफ दिखाई दे रहे थे, पर दांत भी ऐसे थे जो काट ले तो शरीर का मांस एक पल में निकल के बाहर आ जाए। बहुत खतरनाक ये दृश्य था। ये तो एक बड़का है, पर ये कैसे ये सब भागते होंगे। और धीरे धीरे वह उनकी तरफ बढ़ने लगा। हर पर बिजली कड़कती चली गई। वह उनके पास जाने लगा धीरे धीरे करके। अंकल का हाल बहुत ही खराब हो चुका था और उनकी जीभ हलकला रही थी। और वह एक पल जोर से आगे बढ़ने लगी और अंकल भी बिल्कुल पास में आके गायब हो जाता है। अंकल के पास आके वो बागड़गी भूत गायब हो जाता है। अंकल थोड़े देर बेसुध इधर उधर देखते रहे और थोड़ी देर बाद उठे और तेज़ी से अपने गांव की तरफ भागने लगे। इतना तेज भागने लगे कि अपने घर जाकर ही उन्होंने हाँपते हाँपते बेहोश हो चुके थे। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो एकदम से वो चीखे, बड़का भूत, बड़का 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 कर। बड़का ये वो भूत होते हैं जिनका जंगल में रहते हैं और किसी भी जैम्बो की तरह लगते हैं। एक बार कोई इसे देख ले तो उसे जिंदा ही नहीं छोड़ते। ये अपने को देखने वाले शरीर को चीर फाड़ कर देते हैं और उसे हड्डियां सहित चबा चबा कर खा जाते हैं। यह बात उन्होंने बताई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके पास उन्होंने कभी उस जंगल के रास्ते तो दूर की बात है, वो उस गांव से ही नौकरी करना छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं था। ऐसे भी वो मरते मरते बचे थे। उन्होंने नौकरी धंधा बिल्कुल वहाँ छोड़ दिया और उस गांव को ही छोड़ दिया। उस दिन जोधपुर अंकल इसलिए जिंदा बच गए थे, शायद उनके गले में जो रुद्राक्ष की मालाएं थी वो उनको जान बचाई और उन्होंने हनुमान जी का पाठ भी मन में मन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय सियाराम।